पूरे देश में चर्चा है क्योंकि चुनाव 70% हो चुका है। 1 जून को आखिरी वोटिंग होनी है और फिर 4 जून को देश के सामने नतीजे आ जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। तालियों के साथ यहां पर मौजूद छात्रों का बहुत बहुत स्वागत जो आज सवाल जवाब करने वाले हैं, क्योंकि हम 5वें चरण की वोटिंग पर चर्चा करने वाले हैं। कुल 49 यानी 49 सीटों पर वोटिंग होने वाली है और इसी के साथ जिन सीटों पर सबसे ज्यादा नजर रहेगी वो है उत्तर प्रदेश की सीटें, क्योंकि अगर 3 कैबिनेट मंत्री इस बार चुनावी मैदान में 5वें चरण में उतर रहे हैं, राजनाथ सिंह जो कि लखनऊ से लड़ रहे हैं, स्मृति ईरानी जो कि अमेठी की सीट से हैं, तो पीयूष गोयल केंद्रीय मंत्री जो कि नॉर्थ मुंबई से चुनावी मैदान में है। तो उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, बिहार से लेकर महाराष्ट्र, इन तमाम राज्यों में वोटिंग होने वाली है। 3-4 जो बड़ी सीटें हैं वीआईपी वो आपको बता देते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे, सवाल लेंगे जो छात्र पूछेंगे नेताओं से। अगर लखनऊ से राजनाथ सिंह है तो अमेठी से स्मृति ईरानी है, लेकिन नजर उस सीट पर भी है जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा हुई, रायबरेली, जहां से राहुल गांधी चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, वहां भी वोटिंग होने वाली है। पहुंचिए महाराष्ट्र, जहां पर बहुत सारी हाई प्रोफाइल सीट्स, अगर कल्याण से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे चुनावी मैदान में हैं, तो नॉर्थ मुंबई से वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल। वहीं नॉर्थ सेंट्रल मुंबई में आ जाइए तो उज्ज्वल निकम, जिन्होंने कसाब को उसके अंजाम तक पहुंचाया था, वो चुनावी मैदान में है। पहुंचिए बिहार, सारण वाली सीट से राजीव प्रताप रूडी बनाम रोहिणी आचार्य लालू प्रसाद यादव की बेटी की जंग है। तो बहुत ही हाई प्रोफाइल और दिलचस्प सीटें हैं जिस पर इस बार वोटिंग होने वाली है 5th फेज में। किसका पलड़ा भारी, किसका कमजोर, इन सब पर चर्चा करेंगे। आइए स्वागत करते हैं खास मेहमानों का जो मंच पर पहुंचे हुए हैं। शाजिया इल्मी, राष्ट्र प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। दीपक जाजी जो कि पक्ष रखेंगे कांग्रेस पार्टी का, तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। मलुक नागर साहब सांसद और अब आरएलडी के भी वो नेता है, तालियों के साथ उनका भी स्वागत कीजिए। सत्य प्रकाश जी हमारे साथ जेडीयू के नेता के तौर पर इस चर्चा में जुड़ेंगे, लेकिन इससे पहले कि सवालों की शुरुआत करें, आइए आपको दिखा देते हैं 5th फेज की वोटिंग में कौन सी सीटों पर आपको नजर रखनी चाहिए और ये 70% वोटिंग होने के बाद जब 5वें चरण में मतदान पहुंच रहा है तो कौन से मुद्दे हावी। अब तक 4 चरण और 379 सीटों पर मतदान पूरा। अभी तक के इस समीकरण में सोमवार को बदलाव हो जाएगा जब 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 49 सीटों पर वोटिंग होगी। 5वें दौर के रण में चुनाव में खड़ा हर किरदार जीत का प्रण ले रहा है। 5वां दौर इसलिए भी अहम है क्योंकि इसमें उत्तर प्रदेश की 14 और महाराष्ट्र की हाई प्रोफाइल 13 सीटें भी शामिल हैं, जिनमें मुंबई की 6 वीआईपी सीटें भी हैं। 5वें दौर में साख की लड़ाई है, वर्चस्व की लड़ाई है, इज्जत की लड़ाई है और विचारधारा की लड़ाई है। 20 मई को अमेठी में बीजेपी की स्मृति ईरानी बनाम किशोरीलाल शर्मा की जंग है। रायबरेली में कांग्रेस के राहुल गांधी बनाम बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह में फाइट है। लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सामने समाजवादी पार्टी के रविदास मेहरोत्रा और बीएसपी के मोहम्मद सरवर मलिक मैदान में है। वहीं मुंबई नॉर्थ सीट पर बीजेपी की ओर से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के खिलाफ कांग्रेस के भूषण पाटिल मैदान में है। राहुल गांधी को बहुत ज्यादा भ्रम हो गया है, राहुल गांधी भ्रम में जी रहे हैं। रायबरेली से भी वो चुनाव बुरी तरह हारेंगे, उनको ये भ्रम हो गया है कि वो मोदी जी को जो चाहे वो बुलवा लेंगे। अरे उनको कोई गंभीरता से नहीं लेता और वो खुद भी अपने आप को गंभीरता से राहुल गांधी नहीं लेते। 369 सीटों के चुनाव हो चुके हैं और कल 49 सीटों में चुनाव होने वाले हैं। अब तो तय हो गया है कि 4 तारीख को ये निवर्तमान प्रधानमंत्री बनेंगे और इंडिया जनबंधन की सरकार बनेगी, स्पष्ट और निर्णायक बहुमत जरूर मिलेगा। 4 दौर के मतदान में कितनी वोटिंग हुई है ये भी हम आपको बता देते हैं। पहले दौर में 66.14%, दूसरे चरण में 66.71%, तीसरे दौर में 65.68% और चौथे चरण में 66.95% मतदान हुआ है, यानी अब तक औसत 66% से कुछ ज्यादा ही वोटिंग हुई है। अब नजर 5वें दौर पर है और उम्मीद है कि मतदान का आंकड़ा कुछ बढ़ेगा। अब तक देश के कुल 45 करोड़ वोटर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर चुके हैं। विपक्ष के नेता दावा कर रहे हैं कि पिछले 4 दौर में बीजेपी का सफाया हो चुका है। 4 चरणों में बीजेपी चारों खाने चित हो चुकी है, उनका सफाया हो चुका है।
जनता का गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है। सातवें चरण तक जनता का गुस्सा सातवें आसान पे होगा और भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करेंगे। पांचवें दौर के मतदान में सारण में बीजेपी के राजीव प्रताप रूढ़ी और लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के बीच दिलचस्प टक्कर है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में भी सोमवार को फैसला हो जाएगा, जहां उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से मैदान में है। पांचवें दौर के बाद 115 सीटों पर वोटिंग बाकी रह जाएगी, लिहाजा हर पक्ष पांचवें दौर के लिए पूरा जोर लगा रहा है। आखिरी चरणों पर दम लगेगा, तभी सत्ता की ओर दावा मजबूत होगा। आज तक ब्यूरो। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। आप लेकिन अपनी कुर्सियों की पेटी बांध लीजिए जोर से, क्योंकि हेलीकॉप्टर से तो उतर गए हैं, लेकिन ये छात्र यहाँ पर मौजूद हैं जो सवाल करेंगे। शाजिया जी, आपके साथ शुरुआत करते हैं। सबसे ज्यादा बीजेपी ने शोर मचाया रायबरेली अमेठी, राहुल गांधी यहां से लड़ेंगे नहीं वहां से लड़ेंगे, अब रायबरेली से वो लड़ रहे हैं और वोटिंग वहां पर होने वाली है। वो कह रहे हैं कि बीजेपी से न सिर्फ रायबरेली लेंगे, इस बार अमेठी भी वापस ले लेंगे। देखिए, कांग्रेस की रणनीति पूरी तरह से साफ है। उनकी रणनीति असल में है रणनीति रन, तो भाग राहुल भाग, भाग भाग के वो पहुंचे रायबरेली। वहां पर अंजाम क्या होगा सब जानते हैं। अमेठी में भी भागना शुरू किया उन्होंने, और मुझे लगता है इस बार पूरी तरह से, जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने अंजना जी आपके इंटरव्यू में कहा था, कांग्रेस पार्टी की एक भी सीट उत्तर प्रदेश से नहीं आएगी, उसमें रायबरेली भी शामिल है। तो इस तरह के सपने लुभावने देखने बंद कर दे राहुल जी, क्योंकि उनका खेल यूपी में खत्म है। खेल खत्म हो रहा है वो बता रही है राहुल गांधी का, रायबरेली भी हरा देंगे। एक सीट तो उन्होंने पारंपरिक अपनी गवाही दी अमेठी वाली, वो कह रहे रायबरेली से भी जाएंगे। और पिछली बार जब इन्हीं सीट्स पर वोटिंग हुई थी 49 सीट्स पे, तो इसमें से 32 सीटें बीजेपी की आई थी, 7 उस वक्त शिवसेना उनके साथ थी, 7 उनकी आई थी, 1 जेडीयू की, 1 एलजेपी की, कांग्रेस की 1। देखिए क्या कमाल इस बार हो जाएगा। देखिए कमाल इस बार यही रायबरेली थी जो सोनिया जी ने बचाया था, वरना तो कमाल इस बार ये होने वाला है कि अब की बार भाजपा साफ। पूरे देश से जो नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में इन युवाओं से वादा किया था, जो इनसे इन्होंने संकल्प लिया था कि हम विकसित भारत बनाएंगे, और आपने कहा कि सीट की पेटी बांध लीजिए, तो मुझे याद आया कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा था 111 जलमार्ग बनाएंगे, वाटरवेज। क्या हुआ उनका? उत्तर प्रदेश की जनता को दिखाया था सपना कि गंगा में हम लोग जहाज चलाएंगे, शिप चलाएंगे। क्या हुआ उन सपनों का? तो जो सपनों का मर्डर, रायबरेली पे दो लाइन नहीं बोले आप। रायबरेली क्या नहीं है जी, पूरे देश में चुनाव हो रहा है, पूरे देश के लिए बोल रहा हूँ मैं, पूरे देश का दर्द, पूरे देश की जनता का दर्द के लिए बोल रहा हूँ। रायबरेली अलग नहीं है भारत से, वो भारत का ही हिस्सा है, भारत का अभिन्न अंग है, और पूरे देश। एक सवाल का जवाब दे दीजिए, एक सवाल सिंपल आपसे पूछूं, बहुत सिंपल सवाल है, पूछूं ना इनसे, वायनाड का चुनाव खत्म होने के बाद तक क्यों इंतजार किया रायबरेली अनाउंस करने? इसका एक तो लॉजिक बता दीजिए। कोई लॉजिक नहीं, वायनाड में वोटिंग खत्म हुई तब रायबरेली अनाउंस कह रहे हैं, कोई लॉजिक नहीं। देखिए इसका कोई लॉजिक नहीं है। जरूरत क्या लॉजिक की? एक व्यक्ति दो सीट से चुनाव लड़ सकता है कि नहीं लड़ सकता? नरेंद्र मोदी जी 2014 में दो सीट से चुनाव लड़े थे, उसका क्या लॉजिक था? अनाउंस तो एक साथ हुआ था ना, नहीं क्या ऐसा थोड़ी कि एक जगह वोटिंग खत्म हुई तब अगला अनाउंस किया? बाल का खाल मत निकालिए अंजना जी। अच्छा। बात बहुत सिंपल सी बात है कि एक व्यक्ति को संविधान आजादी देता है दो जगह से लड़ने के लिए, नहीं कहीं लिखा हुआ है कि आप अनाउंस तब करिए। जब डेट आई तब अनाउंस कर दिए, जब कांग्रेस की लिस्ट आई तो आपके सामने आ गए, तो कहीं चोरी छुपे नहीं है। ये लोकतंत्र है, आप लोगों की नजर सबसे ज्यादा तेज है, आज तक की खबरें जो चलती हैं वो सबसे तेज चलती हैं, प्रामाणिकता के साथ चलती है, तो इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है कि अगर। लेकिन नरेंद्र मोदी जी दो सीट से क्यों लड़े, आज तक जवाब दे पाए क्या? डरे हुए थे नरेंद्र मोदी जी, बनारस की जनता पे विश्वास नहीं था, या गुजरात की जनता के साथ नरेंद्र मोदी ने दगाबाजी किया कि वहां के चुनाव जीते? दोनों जगह से लड़े, दोनों जगह जीते राहुल जी, दोनों जगह से लड़े और कैसे बुरी तरह से फेल हुए, हारे, और कैसे भागे भागे अब पहुंच गए हैं रायबरेली। देखिए नरेंद्र मोदी की गारंटी चाइनीज गारंटी हो चुकी है, वादे बहुत, लुभावने बहुत, लेकिन टाटा फिस, तो भाजपा साफ हो चुकी है। मैं वही बता रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी जी ने जितनी भी गारंटी दी थी, चाहे वाटरवे, चाहे अच्छे दे, चाहे महंगाई, चाहे मणिपुर, सब कुछ साफ कर दिया इन्होंने। महिलाओं के नाम पे तो दही जम जाती है इनकी जवान पे, तो और क्या बोलेंगे? स्वाति मालीवाल पर आप बोलिए, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, स्वाति मालीवाल पर आप बोलिए।
स्वाति मालीवाल के लिए हमारी नेता प्रियंका गांधी जी ने भी कहा कि हम महिलाओं के साथ खड़े हैं, जो भी अत्याचारी है पुलिस उस पर निष्पक्ष कार्रवाई करे और दोषी को कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस इतना प्रियंका गांधी जी ने कहा है कि अंदरूनी मामला है, महिलाओं का सम्मान चाहिए और मैं महिलाओं के सम्मान के साथ खड़ा हूँ। अंजना जी, लेकिन भाजपा प्रवक्ता को रोकिए और भाजपा प्रवक्ता से पूछिए कि प्रज्वल रेवन्ना को इन्होंने जाने क्यों दिया, ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट क्यों दे दिया, और वो आज तो आपकी खबर थी आज तक कह रहा है कि मैं अब खुलासाड़ हो गया हूँ, ये भाजपा का नेता ऐसा बोल रहा है, तो इनके यहाँ पे भाषाओं को देख लीजिए कि क्या है, किस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं। जवाब दूं, जहाँ तक बात है प्रज्वल रेवन्ना की, प्रधानमंत्री जी से लेकर अमित शाह ने कहा है कि नारी अपमान के प्रतीक के तौर पर कोई भी होता है उसके लिए जीरो टॉलरेंस है, सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। यह कांग्रेस पार्टी की सरकार है कर्नाटक में जिसने इतने आसानी से प्रज्वल रेवन्ना को जाने दिया, यह आपकी सरकार है और आपकी लॉ एंड ऑर्डर स्टेट मशीनरी है। प्रज्वल रेवन्ना के मामले में इतने सारे केसेस थे जिसकी इनको जानकारी थी और ये मामले तब भी थे जब वो कांग्रेस के कैंडिडेट थे, तब वो कार्रवाई कर सकते थे, लेकिन तब तो राजनीति रास आ रही थी ना, उन्होंने इंतजार किया। जब जेडीएस और भाजपा का तालमेल हुआ तब जो महिलाओं की चिंता नहीं थी, 10 साल से जो मामले पड़े थे कभी भी एक्शन नहीं लिया, एकदम से उन्होंने सोचा एक्शन लेने का क्योंकि राजनीति पर। छोटा सा जवाब इसका दीजिए, एक सेकंड। मैंने भी गृह मंत्री का इंटरव्यू किया और मैंने सीधा पूछा कि उसको डिप्लोमेटिक वीजा पर गया वापस लाने के लिए क्या कर रहे हैं, उन्होंने कहा कर्नाटक सरकार ने रिक्वेस्ट ही नहीं भेजी है, वहीं से पुलिस शुरू करेगी मामले को, ऐसे थोड़ी सुओ मोटो होगा। हाँ मत कीजिए, बड़ा सिंपल सीरियस मामला है। सुनिए, सीरियस मामला क्या है इसमें? अरे सर, जहाँ पे पुलिस केस रजिस्टर करेगी वही तो रिक्वेस्ट भेजेगी ना वापस आने के लिए। इसको बोलते हैं भाजपा की तरफ से नाच न जाने आंगन टेढ़ा। गृह मंत्री जी इतने मासूम तो नहीं है, मोदी जी का डंका बज रहा है पूरी दुनिया में, बताओ ना कहाँ छुपा है बलात्कारी, डंका बज रहा है ना देश में मोदी जी का, विश्व में, बताओ आप डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करिए, कहाँ गया, किस फ्लाइट से गया, कितनी फ्लाइट आती है, सारा का सारा डेटा रिकॉर्ड आपके पास है, बुला लेते ना उस चोर मोदी को, नीरव मोदी को तो आप ला नहीं पाए, ललित मोदी को तो आप ला नहीं पाए। और बात करते हैं, और दूसरी बात, जब इन्होंने कहा कांग्रेस के साथ रिश्ता था जेडीएस का, तब सरकार इनकी थी कर्नाटक में, तब इनको क्यों नहीं पता था भाई, तो इसीलिए गुड़ खाए और गुलगुला से परहेज मत करिए, ठीक है, उनको भी बोल लेना। देखिए, कानूनी प्रक्रिया की एक व्यवस्था है, जब तक स्टेट गवर्नमेंट भारत सरकार को लिखित में नहीं भेजेगी, जब तक भारत सरकार की बाध्यता है वो कैसे उस पर एक्शन लें। तो जब इनके यहाँ चुनाव तक वो रहा, सरकार थी कर्नाटक में, चुनाव लड़ा, वहाँ से एयरपोर्ट गए, वहाँ पे सारे बिखरे पड़े थे पूरे शहर में, जो उनके वीडियो और जो उनके व्यवस्था थी देखने की कंप्यूटर पे, तो इन्होंने उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया? क्या इनकी कोई मिली भगत थी? क्या उसको जानबूझ करके ये बाहर भगाना चाहते थे? जहां तक बात है देश में उत्तर प्रदेश की, देखिए अमेठी की सीट मैं ये तो नहीं कहूंगा कि इनकी तरह मैं संयम रखूंगा कि राहुल गांधी जी भाग गए, लेकिन राहुल गांधी जी रायबरेली लड़ने गए, पिछली बार एक सीट आई थी जब 3 पार्टियां इकट्ठी मिलकर लड़ रही थी, सपा बसपा लोकदल, मैं भी था उनमें से, तो जब जाके कांग्रेस की एक सीट आई थी लोकदल, वो अब की बार भाजपा के साथ है, और वो जो दो तकड़ी पार्टी इकट्ठे होते ही तकड़ी हो जाती थी वो अलग अलग लड़ रही है। रायबरेली किस तरीके से जीतोगे जरा सोच करके तो बताओ, जो माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीतेगी। आप बीएसपी छोड़ के आरएलडी में आ गए हैं, लेकिन आपका दिल अभी भी लग रहा है कि बगर मतलब के बगर मतलब के सिद्ध मत करो जानबूझ के। फिर आप क्या ये मान रहे हैं कि जानबूझकर मायावती जी उतरी हैं हर जगह पर ताकि कांग्रेस को, समाजवादी को नुकसान हो, बीजेपी को फायदा? क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ने कहा ना कि आप कैसे जीतेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि जो ये कह रहे हैं हम जीत करके आएंगे, एक सीट भी कैसे जीतेंगे, लॉजिकली सिद्ध तो करें, तो माननीय प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं एक भी सीट जीत नहीं सकते ये लोग। सत्य प्रकाश जी, आज एक एक सेकंड, प्रज्वल रेवन्ना पर बार बार चर्चा जाती है इसलिए मैं चाहती हूँ एक कमेंट उस पर आ जाए, उसके बाद बाकी मुद्दों पर हम लोग 49 सीटों पर जाएंगे। जॉइंट कैंडिडेट था ना वो, पूर्व प्रधानमंत्री का पोता है, जेडीएस और बीजेपी मिलकर वहां पर चुनाव लड़ रही है और वो जॉइंट कैंडिडेट था, तो प्रश्न तो पूछे ही जाएंगे बीजेपी से। नहीं, बिल्कुल प्रश्न पूछे जाने चाहिए और प्रश्न का जवाब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने दिया है। भारतीय जनता पार्टी या एनडीए का कोई भी घटक दल इस चीज का समर्थन नहीं करता है। जिस समय चुनाव हो रहा था उस समय यह मामला सार्वजनिक रूप में नहीं सामने आया था, अगर आया होता तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रधानमंत्री न वहां जाते न उनका चुनाव प्रचार करते। ये बहुत तरीके से झूठ बोल गए
कि प्रधानमंत्री या गृह मंत्री उसको इंटरपोल कॉर्नर का रेड नोटिस जारी करके ला सकते, ऐसा है नहीं। कानून एक तौर तरीके से चलता है, राज्य सरकार को भेजना है, पूरी की पूरी जानकारी भेजनी है गृह मंत्रालय को, फिर गृह मंत्रालय काम करेगा। अब अंजना जी, ऐसे ऐसे आप कठिन सवाल कांग्रेस से पूछ रहे हैं तो ये बेचारे जवाब दे नहीं पाएंगे, चाहे वो प्रियंका गांधी का वो मसला हो जो उन्होंने कहा है। प्रियंका गांधी राधिका खेड़ा पे कब बोलेंगी? एक महिला प्रवक्ता को बंद करके रख दिया कमरे पर, उस पर जबान नहीं खुलती। एक प्रवक्ता बहुत पहले थी, बड़ी मशहूर प्रवक्ता हैं, प्रियंका चतुर्वेदी, उनके साथ मथुरा के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बदतमीजी करी, इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़ी। प्रियंका गांधी इस पर चुप रहती है। तो ये जो सेलेक्टिविज्म है कांग्रेस का या किसी भी पार्टी का, महिला हिंसा पे यदि कोई सेलेक्टिविज्म है तो हम उसके खिलाफ हैं। अब सवाल उठता है कि स्वाति मालीवाल का जो मसला सामने आया है तो प्रियंका गांधी ने यह भी तो बोला, ये तो उन लोग का आपस का मसला है, अपराध का मसला महिला हिंसा के खिलाफ आपस का हो जाता है। संजय सिंह कहते हैं सख्त कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई नहीं करते, उस अपराधी को साथ लेकर लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे मिलते हैं। वहां पे अखिलेश यादव क्या कहते हैं कि नहीं नहीं, इससे जरूरी ज्यादा मसला और भी है दुनिया में। अरे, एक महिला जो राज्यसभा की सदस्य है, दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष थी, उसके साथ दिल्ली के सीएम के घर में जिस तरह की मारपीट हुई है, जिस तरह की अभद्रता हुई है, उस पर सारे निर्लज्ज एक साथ चुप है। ये कैसी निर्लज्जता है? इस पर सवाल होना चाहिए। कांग्रेस इस पर इसलिए नहीं बोल रही है, दबे स्वर में बोल रही है, क्योंकि दोनों दिल्ली में। ठीक है, इस पर मुझे अभिषेक सुधीर जी से ले लीजिए, वो आम आदमी पार्टी के समर्थक है, इस पर एक जवाब लेते हैं ना स्वाति पर, आप बोल लीजिएगा सत्य प्रकाश जी, स्वाति मालीवाल पर एक तो जवाब दीजिए सर। देखिए, संजय सिंह ने माना खुलकर कि अभद्रता हुई है, FIR की कॉपी सामने आ गई है, वो कह रही है मारा है PA ने, उसके बाद वो लखनऊ में साथ में दिखता है, ये क्या तरीका है सर? ये जो विभव कुमार को जो लखनऊ लेके गए थे बिल्कुल गलत था, नहीं लेके जाना था। मैं समर्थक हूँ, मैं पार्टी का तो सदस्य नहीं हूँ। जो बात जो गलत है वो गलत है। देखिए, इस मंच पे ये बात स्पष्ट हो गई है कि जब भी महिला हिंसा होती है, महिलाओं पे अत्याचार कुछ होती है, कोई भी पार्टी एक्शन नहीं लेती। ब्रिजभूषण सरन सिंह के खिलाफ काफ़ी सीरियस एलिगेशन है। एक दिन वो जेल गए, अरेस्ट हुए नहीं हुए, एक दिन भी उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, चार्ज फ्रेम हो रहे हैं, उनके बेटे को टिकट दी जा रही है। प्रज्वल रेवड़ना को देखिए और स्वाति मालीवाल के साथ भी जो और हुआ इस फेज में जो चुनाव है उसमें वो सीट भी है जहां से चुनावी मैदान में ब्रिजभूषण शरण सिंह का बेटा चुनावी मैदान में जी बिल्कुल। और आप बेटे को टिकट दे रहे हो और रेसलिंग फेडरेशन को आप देखिए, हमारी महिला पहलवान ने यही इसी सांसद भवन के सामने उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। मान रहे हैं कि आम आदमी पार्टी भी वही कर रही है जो बाकी, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, ये आंदोलन मशाल लिए क्यों घूमते हैं? मैं ये कह रहा हूँ, लोकतंत्र बचाने ये एक आम मौका है आम आदमी पार्टी को कि दिखाना है कि हम भाजपाई की तरह नहीं है। स्वाति मालीवाल को जो भी स्वाति मालीवाल कह रही है कि उनपे जो हमला हुई है, मैं ये कहता हूं कि शक नहीं करना चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। विभव कुमार को आप प्रोटेक्ट मत करिए, आप पुलिस पे जाके सरेंडर हो जाना चाहिए। मैं जो सच बात है मैं बोल रहा हूं, मुझे गलत है, मैं गलत हूं। कितने दबे स्वर से और इतनी मिठास बात की थी ना कि उसको खुद ही जाके सरेंडर कर देना चाहिए। क्या बिल्कुल मैं तो बोल रहा हूँ ना, क्या ये बोलेंगे कि ब्रिजभूषण को सरेंडर करना चाहिए? बोलेंगे? बोला भी हम लोगों ने। पांच महिला पहलवान संजय ने, एक मिनट, मैं लास्ट में आया, अंत में आया हूँ, मुझे 30 सेकंड। आप लेट हुए ना, मुझे 30 सेकंड की गलती है। नहीं देखिए, आप लेट हुए तो आपकी गलती है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नहीं आए ना, इसलिए मुझे बुलाया गया था। वो आ नहीं रहे तो मैं क्या, स्वाति मालीवाल का नाम लेने से सब भाग रहे हैं। 30 सेकंड दीजिए मुझे, कांग्रेस भी भाग रही है, आम आदमी पार्टी जी, संजय सिंह है जो सामने आ रही है। अंजना जी, संजय सिंह ने प्रेस वार्ता किया, एक मिनट, 30 सेकंड आई एम स्पीकिंग, नहीं मुझे बात करने दीजिए अंजना जी, तीन लाइन स्टॉप, आप बोलिए। एक भी भाजपा के नेता ने प्रेस वार्ता करके नहीं बोला है जो ब्रिजभूषण सरन सिंह ने किया था गलत था। संजय सिंह ने प्रेस वार्ता करके बोला था जो विभव कुमार ने किया था वो गलत था। कभी भी इनके नेता, अरे ब्रिजभूषण सिंह पे प्रेस वार्ता छोड़िए, इनके प्रधानमंत्री 10 साल में एक प्रेस वार्ता भी नहीं किया उन्होंने, प्रेस वार्ता तो करते नहीं है। तीनों पे जवाब दीजिए आप सब लोग। देखिए, इतनी बड़ी मामला सामने आया है, इतना बड़ा जो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। स्वाति मालीवाल कहती हैं उन पर चार चार थप्पड़ मारे गए, उनको जलील किया गया, जमीन में उनको फेंका गया, उनके कपड़े तक फट गए, ये तक उन्होंने कहा कि गाली बकी उनके लिए और कहा तेरी औकात है कि तू यहां आई है। ये तक कहा स्वाति मालीवाल से कि तुम्हारी हड्डी तोड़ तोड़ के रख देंगे और जहां गाड़ेंगे पता भी नहीं चलेगा। वो रोती रही, चिल्लाती रही। ये तक कहा विभव ने उनसे कि अब हिम्मत करके देखो,
स्वाति ने यह तक कहा कि मेरी तबीयत इस वक्त ठीक नहीं है और नासाज है, एक महिला की बहुत दुश्वारियां होती हैं और आप ना मुझे मारिए, उसके बावजूद और सबसे ज्यादा घिनौनी और बड़ी बात जो हमने तस्वीरें देखी आज किस तरह से पहलवानों पे भी कुछ तो बोलिए, महिला पहलवानों पे आपने शक किया था ना, मुझे बोलने महिला पहलवानों पे कुछ बताइए, क्या आप उनके भाषा आप बोला, हम लोगों ने भी बोला, आप लेट विश्वास करते हैं, वो जो कह रहे हैं ब्रजभूषण सिंह ने उनके साथ जो किया, देखिए बात को कैसे पलट रहे हैं, कैसे भाग रहे हैं, ये पलट भाग रहे हैं, मैं मान रहा हूँ कि स्वाति के साथ जो हुआ गलत हुआ, या रेसलर्स के साथ जो हुआ गलत हुआ, मैं मान रहा हूँ जो उसके साथ हुआ गलत हुआ, आप ब्रजभूषण सिंह की गलती मानिए, आप पतली गली ब्रजभूषण सिंह की गलती आप मानिए, गली से कट रहे ना, ठीक है, ब्रजभूषण का नाम भी नहीं आता, ब्रजभूषण का नाम भी नहीं लेंगे, नाम भी नहीं लेंगे, किसी भी लेडीज किसी भी लड़की के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, ब्रजभूषण का नाम लीजिए, एक चीज इसमें एक चीज खास बात है, ब्रजभूषण सिंह को कंडेम करिए, एमपी है वो राज्यसभा की और एमपी और एमएलए वो लोकसभा के एमपी है जो लड़कियों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, तो उनकी बात करिए, किसी भी अधिकारी को ट्रेनिंग में जो सिखाया जाता है कि खड़े होके मिलना है, उसको इज्जत देनी है, और वो अधिकारी बेइज्जत करे, मारपीट करे, तुरंत उसको अरेस्ट करना चाहिए और तुरंत सख्त सजा मिलनी चाहिए। मैं इतना कहूंगा, ब्रजभूषण के मसले में जब वो मसला सामने आया था, अनुराग ठाकुर जी ने उसकी एक बैठक बुलाई, सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व में उसने आदेश किया इसकी जांच की जाए, और जांच हुई, आज एफआईआर है और चार सीटेड है, तो आप समझिए कि एक सरकार ने बेटे को टिकट देना था या नहीं देना था, ये तरीका ठीक देना था या नहीं देना था, ये रुक जाइए ना, नहीं टिकट देना था नहीं देना था, अरे सुना, अरे आ रहे उस मसले, देना था या नहीं देना था, आ रहे उस मसले पर, कब आओगे, एक सेकंड एक सेकंड, अरे बोलना तो दीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है आप मुझे एड्रेस करें, या आपको सड़क की लड़ाई तो हो नहीं रही है, प्लीज एड्रेस मी, आप एक दूसरे को देख के मत कीजिए बात, पूछिए ना उनसे, मैं उनसे बात कर रही हूँ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो किया गया, किसी ने उस ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को रोका नहीं, लेकिन इस मसले में एक राज्यसभा सदस्य का मुख्यमंत्री आवास में बुरी तरह मारा पीटा जाता है, उस पर अरविंद केजरीवाल क्यों खामोश हैं, जो दिल्ली के महिला की सुरक्षा के लिए हमेशा गला फाड़ फाड़ मोदी जी आज तक ब्रजभूषण पे खामोश हैं, आज तक ब्रजभूषण पे खामोश हैं, मोदी जी ने एक प्रेस वार्ता किया है कि ब्रजभूषण ने किया था गलत, ये तरीका ठीक नहीं है, जो बसों में मार्शल की व्यवस्था करने का दावा करते रहे उनके घर के अंदर राज्यसभा की सदस्य पीटी गई, और प्रधानमंत्री खामोश है तो उस पे भी बात करिए ना, लोग एफआईआर की कॉपी मिल जाए पढ़िएगा, प्रधानमंत्री खामोश है उस पे भी बात करिए, आप बदतमीज आदमी हैं, आपके प्रधानमंत्री जो खामोश है उस पे आप बात के बीच में बोल नहीं रहा था, मैं आप देखिए हमला कर रहे सारे बीच में नहीं बोल रहे हैं, देखिए ना प्लीज मिस्टर सुधीर, आपके बीच नहीं बोल रहा ना, सबके पास मुंह है माइक भी है, मेरा कहना क्या है, दिमाग लगा रहे होंगे क्यों नहीं बोलना है, क्योंकि उनका नाम सत्यप्रकाश नहीं है, आपका भी नहीं है, सो प्लीज वेट फॉर योर टर्न सर, मेरा कहना है कि जब जानकारी थी केजरीवाल जी को तो उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेके क्यों गए, अब तक उसको अपने टीम से हटाया क्यों नहीं, ये साबित करता है कि केजरीवाल का दोहरा मानदंड है और स्वाति मालीवाल के मसले में कोई बहुत बड़ा घालमेल है, आखिर क्या वजह है कि घर पर मारा गया उसको, कुछ न कुछ ऐसा राज छिपा है उस मसले में जो स्वाति मालीवाल और जब विवाह गिरफ्तार होंगे तो पता चलेगा कि मसला क्या है, महिला हिंसा पर छोटा देश एक खड़ा होना चाहिए, एक बात बोलूंगा, सूप बोले तो बोले, चलने क्या बोले, जिसमें 72 छेद, पूरा देश शर्मिंदा था जिस दिन विधानसभा में इनके नेता नीतीश कुमार जी ने हमारे नेता ने माफी मांगा सर झुका कर बयान दिया था, हमारे नेता ने सर झुका कर माफी मांगा, बीच में मत बोलिए, हमारे नेता ने सर झुका कर माफी मांगा, कुछ सवाल लेते एमपी के साथ, अभी दूसरों को मेरा सवाल दीपक झा से है कांग्रेस के, आपने अभी बोला कि हर महिला को ना जो सीनियर महिला होगी उनको 1,00,000 रुपए मिलेगा साल का, तो आप ना कैसे देंगे, मतलब कुछ क्या स्ट्रेटेजी है, कुछ भी फेंक दिया जो मन में आया वही बोल दिया, क्या स्ट्रेटेजी है, चुनाव पे लाए हो भैया, अब बढ़िया का सवाल, बहुत अच्छा काम किए हो, फेंकने का काम तो मोदी जी करते हैं, 1,00,000 कहां से देंगे, और ये सारे शिक्षित युवाओं को भी दे रहे हैं, शिक्षित युवाओं को पता करना चाहिए कि जब देश आजाद हुआ था उस समय का बजट कितना था आपको याद है, और आज देश का बजट और जीडीपी सवाल का सवाल जवाब आप सवाल, मैं इनको बता रहा हूँ कि अगर उस वक्त हमारी चिंता हो रही है, क्या गोल गोल घुमाए, हाँ देश की करना उनके सामने, तुमको डांटेंगे कहाँ से देंगे, गोल गोल घुमाए, मैं देश का युवा हूँ, चिंता तो होगी, क्या चिंता हो रही है तुमको, क्या है ना,
हम जिसको भी वोट दे वो हमारे लिए क्या करेंगे, या कुछ भी वादा कर दिया, कुछ भी मैनिफेस्टो लिया है, पूरा करेंगे नहीं करेंगे? इसका जवाब है, मैं बताता हूँ, जो मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी था जब मनमोहन सिंह देश को छोड़ के गए थे तब 17% था, और उनका लक्ष्य था, सुनिए मैं बता रहा हूँ ना आपको, और अभी मोदी जी कहते थे कि हम हर आदमी को रोजगार देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, जीडीपी उनका 25% कम हो गया, 17 का 25% तो लगभग 13% आ गया है, और हम लोग रोजगार पैदा करेंगे, काम पैदा करेंगे, महंगाई कम करेंगे और लोगों को धनवान बनाएंगे। सर मेरा सवाल ये है कि हम आज के युवा है, हम किस बेसिस पे कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी को, भाजपा को वोट दे जब उनकी खुद की पार्टी की महिलाएं, मतलब उनकी खुद की महिलाओं में इतनी ताकत नहीं है, उनके ऊपर ऐसा उत्पीड़न हो रहा है, और दूसरी बात ये कि हम लोगों को क्या फायदा मिल रहा है? कांग्रेस की पार्टी भाजपा को वॉशिंग मशीन बोलती है, भाजपा की पार्टी कांग्रेस को वॉशिंग मशीन बोलती है, पॉलिटिशियंस को टिकट देने की जरूरत क्या है? ऐसी चीज युवाओं के साथ तो नहीं हो रही है, उनके लिए तो इतनी सी गलती करे सरकारी नौकरी छिन जाती है, बड़ी बड़ी जगहों पे जाना मना कर दिया जाता है, पॉलिटिशियंस के साथ ये सारी चीजें क्यों नहीं हो रही है? ज्वलंत मुद्दा है, वीवीआईपी कल्चर जो मोदी जी कह रहे थे खत्म करेंगे, क्या हुआ, खत्म कर पाए क्या 10 सालों में? खुद वीवीआईपी चलते हैं, पूरा देश बंद हो जाता है, दिल्ली बंद हो जाती है, सड़कें बंद हो जाती है। और सवाल आपका जायज है, आज आप पूछिए कि जो वादे किए गए थे सरकार से, उस सरकार ने युवाओं के लिए क्या कदम उठाए? अग्निवीर बनाया है मोदी जी ने, तो आप लोगों के लिए अग्निवीर बनाया है, अगर आप उनको देंगे फिर से अग्निवीर बना देंगे कुछ और? सर मेरा सवाल सभी से है कि आप लोग ना अलग अलग महिलाओं की बात करते हैं, इस पार्टी की महिला, उस पार्टी की महिला, अत्याचार लगभग हर महिला पे हो रहा है सर, आपकी पार्टियों की ही है वो, लेकिन आप लोग हमेशा ऑपोजिशन की महिलाओं को चूज करते हैं दूसरों को हमला करने के लिए, पहले अब तो इनका गेम है, जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है सारी जगहों पे भाजपा की सरकार है, दिल्ली पुलिस ने क्यों गिरफ्तार नहीं किया अगर महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है तो? केंद्रीय मंत्री 6000 रेप के मामले राजस्थान से क्यों गिरफ्तार नहीं हुए अभी तक? दिल्ली पुलिस क्या कर रही है? छत्तीसगढ़ में अगर हो तो छत्तीसगढ़ से माइक। मेरा सवाल दीपक झा जी से है, जैसे कि हम सबको पता है कि राहुल गांधी जी रायबरेली से लड़ रहे हैं चुनाव, तो जब उत्तर प्रदेश के अयोध्या में रामलला जी का की प्राण प्रतिष्ठा हुई, 500 साल बाद मंदिर बना, तो आपको नहीं लगता राहुल गांधी जी का फर्ज था, उनका काम था भगवान के घर जाके माथा टेकना? हाँ, आपका नाम क्या है? रिया कहाँ पढ़ती हैं? एक सेकंड पूछ लेना, कहीं आप इनको बीजेपी का एजेंट बोल दीजिए थोड़ी देर में जी, आपके साथ पूछ लेते हैं ना, पूछते हैं दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो मेरा ये बोलना है कि जो इंसान अपने भगवान को भूल सकता है वो जनता को क्यों नहीं भूल सकता? देखिए हमारे लिए जनता ही भगवान है, और ईसोपनिषद में लिखा है ईसा वास्मिदम सर्वम यत् किंचित जगत त्याम जगत तेन तक तेन भुंजिता। भगवान है ईश्वर है, ईश्वर निराकार है, भगवान है तो प्राण प्रतिष्ठा के टाइम जाना चाहिए था ना माता टेकने? आप कहेंगे इनविटेशन, अब भगवान के घर बुलाने इनविटेशन लगेगा? भगवान का घर हर जगह है, भगवान आपने भी भगवान है, हमने भी भगवान है, अंजना जी ने भी भगवान है, तो सर्वत्र भगवान है। मैम मेरा सवाल कांग्रेस से है, सबको दीपक जी पसंद आ रहे हैं, अरे आप लोग जो उधर खड़े हैं यहाँ के बैठ जाइए, सारी कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं, हमारी जिम्मेदारी खड़ा होकर क्या सुनना नेताओं को? आइए तो आप लोग भी सवाल करिएगा। सर आपकी पार्टी का सबसे बड़ा आइडियोलॉजिकल ड्रॉबैक ये है कि आपकी पार्टी में आइडियोलॉजी ही नहीं है, कोई टीम लीडरशिप नहीं है, कास्ट के नाम पे वोटिंग है। तो मुझे ये बता दीजिए, एज अ फर्स्ट टाइम वोटर मेरे जैसे बहुत बैठे हैं, आपकी पार्टी को क्यों वोट दें? देखिए बहुत सही सवाल है अंजना जी। अच्छा पसंद है आपको सवाल? हमें सवाल सारे पसंद है, ताली बजाइए, हम लोग सुनते हैं सवाल। देखिए हम नरेंद्र मोदी जी नहीं है, मन की बात करें, मन की बात ना सुने, ये मेरा फर्ज है आप लोगों की बात सुनना। कैसे करेंगे? बिल्कुल करेंगे, जो 30 लाख पद खाली है। आपकी विचारधारा क्या है? विचारधारा में आप शून्यता पे है और आप जाति के आधार पर वोट मांगते हैं। वयम राष्ट्रे जाग्रियाम पुरोहिता, हम इस राष्ट्र को निर्माण करने के लिए तन मन धन से लगे रहेंगे और युवाओं के उन्नति के लिए लगे रहेंगे। क्या करेंगे? 30 लाख जो पोस्ट खाली है ना, उन सब में नौकरियां भरी जाएंगी, आप लोगों को दिया जाएगा। भाजपा ने क्यों नहीं दिया? भाजपा ने 30 लाख पोस्ट क्यों खाली करके रखा है बताएं? जवाब दें, लोग नहीं दे पाएंगे। मेरा यह सवाल सेक्युलर लीडर से है। कौन है सेक्युलर इनमें? बोल तो आप है, कांग्रेस है, आप और जेडीयू है, सब है। जेडीयू नहीं है, बीजेपी को बोलते हैं हिंदू मुस्लिम करते बोल के। मुझे ये बोलो कि देश का बंटवारा किस मुद्दे पे हुआ? देश का बंटवारा किस मुद्दे पे हुआ, मुझे इसका जवाब दो। देखिए देश का बंटवारा, आपने आजादी में भाग लिया? काफी गुस्से में लग रहे हैं। आपने आजादी में भाग लिया क्या?
आप उस वक्त मेरे पूर्वज लिए, मेरे पूर्वज लिए, मेरे पूर्वज से आज उन्होंने भाग लिया कि नहीं। मैं जो हूँ मेरा भविष्य वैसा रहेगा। और आप जो बोलते ना बेरोजगारी वो ये सब कहानियां बोलते ना, क्यों गूगल पे जाके देख लो क्या एक्सपोर्ट डिफेंस क्या हुआ, एक्सपोर्ट क्या है, विदेश मुद्रा क्या है। देखिए आपने बिजनेस मुद्रा, मैं आपको बता रहा हूँ जीडीपी क्या करते हैं सर। मैं रियल एस्टेट का बिजनेस करता हूँ। बोल तो आम आदमी को जब जहाँ पे हमारा वोट बैंक रूरल से ज्यादा है, वो रूरल के लोगों को तुम लोग भटका रहे कि देश डूब जा रहा, देश बिक जा रहा, और हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम कुछ भी नहीं है, सभी का डेवलप हो रहा है यहाँ पे, सभी उन्नत हो रहे। अगर ये होता मुद्दा तो देश का बंटवारा भी हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पे छुआ। देखिए 135 अरब डॉलर का व्यापार किया है मोदी जी ने चाइना के साथ। श्रेया सिंह चौहान है और मेरा जो सवाल है वो बीजेपी प्रवक्ता से है कि पुरुषोत्तम रूपाला जी जो आपके नेता हैं जिनको टिकट दी गई है, उन्होंने अभी विवादित टिप्पणी की थी, अभद्र टिप्पणी की थी छत्तीय समाज को लेकर, रोटी बेटी का सिस्टम चलता है छत्तीयों के यहाँ, तो उनकी टिकट क्यों नहीं काटी गई? छत्तीय समाज पूर्णता बहिष्कार कर रहा है उनका और नाराज है भाजपा से, उनकी टिकट क्यों नहीं काटी? मैं जवाब दे दूं। मेरा क्वेश्चन दीपक झा सर से है कि आप बोल रहे हो कि हम आएंगे तो रोजगार पैदा करेंगे। सर 70 साल तक क्या कर रहे थे? 70 साल में वो बेरोजगारी कम नहीं कर सकते थे? और आपने अभी एक श्लोक बोला तो मैं भी बोलता हूँ, रामायण का श्लोक है, शायद राहुल गांधी को नफरत हो, तो वो श्लोक ये है कि सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास, राज धर्म तन तीन कर होई बेगई नास। मतलब अगर आपका सचिव आपका वैद्य आपके डर से अगर झूठ बोल रहा है तो आपका विनाश है, और राहुल गांधी का शायद यही लग रहा है। देखिए आप क्या करते हैं स्टूडेंट? इस देश में हमने वो किया है 70 सालों में। ध्रुव शुक्ला पता बताओ सब। कानपुर से है शुक्ला जी, आपका स्वागत है। हम भी कानपुरी हैं भाई। एक साथ जवाब। नमस्कार सर, मेरा सवाल कांग्रेस से है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो आपको दिक्कत होती है कि नहीं? 10 साल बाद भी सब आप ही से सवाल पूछ रहे हैं। अंजना जी आप भी सवाल हमसे ही पूछती हैं कि अगर कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो आप पुरानी पेंशन बहाल कराएंगे या नहीं? आप अपने मैनिफेस्टो में पुरानी पेंशन का मुद्दा रखेंगे या नहीं रखेंगे? जी जी मैं जवाब दे दूं। मेरा सवाल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों से है कि इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है वुमेन सेफ्टी पे वोट मांगने का, जब आप अपने ही दोनों महिला कार्यकर्ताओं को सशक्त नहीं कर सकते कि उनके साथ इतनी दुर्व्यवहार करके उनको पार्टी से जाने का मौका देते हैं कि वो निकल जाए पार्टी से। राधिका खेड़ा और स्वाति। मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं कि जब डबल इंजन की सरकार बिहार में है, दुर्भाग्य हम बिहारी होने के दुर्भाग्य इस बात की है कि आज तक रेलवे का स्थिति देखेंगे, मैडम खुद बिहार से हैं, जो पैसेंजर है जो एसी है उसमें लोग बैठ के, मतलब जी कैपेसिटी है उसके 50% लोग उससे जाते हैं, लेकिन सरकार का कोई अटेंशन नहीं है। डबल इंजन की सरकार है लेकिन बिहार में बाहर है। अब मैडम खुद बिहार से हैं, शायद इस चीज को उठाएं। कितना बार बताओगे, सब सुन लिए? हम लोग डेली सफर करते हैं, एसी का हाल बहुत खराब है। मैम जेडीयू के प्रशासन में जनता सिर्फ यही उम्मीद करती थी कि हमें न्याय मिलेगा। यहाँ बिहार की एक माता जी खड़ी हैं, इनके जमीन को कब्जा कर लिया गया, सॉरी मैम, इनके जमीन को कब्जा कर लिया गया, और जब ये आवाज उठाने के जाती है प्रशासन के पास तो वो सुनवाई नहीं करता है, उल्टा इनके घर की महिलाओं का शोषण होता है। हमारा जमीन हरि सिंह ने 27 दूर कहाँ पे है? बिहार। बिहार में कहाँ? गोपालगंज जिला पड़ता है जगीरहा, वहाँ पर। सत्य प्रकाश जी आप इनसे मिलिए शो के बाद? कुछ हमारा हस्बैंड नहीं है, हमारा में हमारा एम्स में इलाज चलता है, हम 6 महीने से अनाज नहीं खाती हूँ, वो फैन आ गया है तो फैन नया टाट लगा दिया, अकाल सूर्य तारीख रहा, कल हमारा लड़का के वो ब्राह्मण खिया रहा था खाकी बाबा का मंदिर में, लड़का आ रहा था तो आपकी जमीन ले ली है ना, किसने किया है वो उसको सत्य प्रकाश जी जेडीयू के हैं, वो अभी मिलेंगे आपसे तो बता देंगे ठीक। तो वो मारपीट करता है, धमकी देता है, कल हमारा नाते ने वो सूर्य साल के वहाँ पर खाना बनाने के छोड़ती हैं, वो अंजू देवी ने चूड़ी हला दिया है, हरि सिंह उसका सपोर्ट में राघो जी हैं, गुड्डू सिंह हैं, ओकरा बाद में राम नरेश सिंह हैं, ये लोग सब आदमी मैंने मिल के। ठीक है मैम, मैं इंश्योर करूंगी कि शो के बाद आप उनसे मिलिएगा सत्य प्रकाश जी से। अजय हम आपसे मिलेंगे, आपका पूरा लेके जाएंगे। छोटा छोटा सवाल। हाँ कांग्रेस जो है लोकतंत्र की बात करती है तो राहुल गांधी ये वेल्थ सर्वे करके इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करके कम्युनिस्ट वाली बातें क्यों करती है फिर?
सर मेरा सवाल आप सभी लोगों से है कि आप लोग जो वादे करते हैं इलेक्शन के वक्त में, तो इस बात की क्या गारंटी कि उन वादों को पूरा किया जाएगा? क्या कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है कि अगर किए हुए वादे ना निभाए जाए तो उस पर एक्शन हो? नमस्कार सर, मेरा नाम वंशिका खोबे है। सर एनडीएमसी के जो वर्कर्स है आरएमआर को भी पक्का किया है 2023 में, और टीएमआरओ को पक्का क्यों नहीं किया जा रहा है? 2005 से अब 2023 आ गए। चलिए अब सवालों की शुरुआत करते हैं करके। जी सबसे पहले तो मैं आपका जवाब दूंगी, स्वाति नाम है आपका, श्वेता। पुरुषोत्तम रूपाला जी ने जो बयान दिया है उसके बाद उन्होंने 7 बार लिखित तौर पर और बयानी तौर पर उसका जवाब दिया है। इसके लिए उन्होंने बाकायदा माफी मांगी है और खुद प्रधानमंत्री जी ने इसका स्पष्टीकरण किया है। राहुल गांधी सबसे प्रिय, सबसे ज्यादा सवाल उन्हीं पे थे। नहीं, राहुल गांधी इस देश के भविष्य हैं और राहुल गांधी इस देश के युवाओं के उम्मीद हैं, क्योंकि मोदी जी से अब कहते हैं कि मैं मंदिर पे बात नहीं करूंगा, मैं धर्म पे वोट नहीं मांगूंगा, मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा। क्यों नहीं पूछा? मैं वही बता रहा हूँ, काला धन नरेंद्र मोदी जी को पता है कहाँ पे है, अडानी के घर में सबको पता है नरेंद्र मोदी जी, लेकिन काला धन पे कार्रवाई नहीं करेंगे। अरे टेम्पो से जा रहा था, रास्ते में रोक लेते अंजना जी, ईडी भेज देते, सीबीआई भेज देते। राधिका खेड़ा आपकी पार्टी की प्रवक्ता है, उस पर किसकी अकाउंटेबिलिटी है? छत्तीसगढ़ पुलिस निष्पक्ष जांच करे, भाजपा की सरकार है, जो भी आरोपी है उसको जेल में डाले। स्वाति मालीवाल, राधिका खेड़ा पर प्रश्न था कि इतनी सशक्त महिलाएं पार्टियों के अंदर, आप उनको नहीं बचा पाते? मैं फिर से ये बात दोहराता हूँ, आतिशी मरलीना, प्रियंका कक्कड़, रीना गुप्ता, शैली ओबरॉय, आम आदमी पार्टी के सही सारे महिला नेताओं को अपनी आवाज उठानी चाहिए, और स्वाति जी के साथ जो हुआ है बिल्कुल गलत है और एक्शन ली जानी चाहिए, पुलिस की जांच कोई उठा नहीं रहा है। मलुक साहब देखिए, जो स्वाति, नहीं मैं चाहती हूँ सवाल का आप जवाब दें जो इस बच्चे ने पूछा कि नेताओं की गर्दन बाद में चुनाव के बाद कैसे पकड़ी जाए। सब वादे तो खूब कर देते हैं, इतनी नौकरी, ये कर देंगे, वो कर देंगे, उनके गले पर कैसे पकड़ा जाए चुनाव के बाद? देखिए, 5 साल बाद आते हैं फिर। देखिए जहाँ तक चौधरी 5 साल के लिए ये लतियंस जेली में बड़े बड़े मकान, ये गाड़ियाँ, ये शोहरत, जवाब क्या किया जाए? चौधरी चरण सिंह जी उन्होंने हमेशा पूरे करे, और जो मौजूदा सरकार है उन्होंने 370 पे पूरा करा, मंदिर पे पूरा करा, एक टैक्स पे पूरा करा, और जितने इन्वेस्टर थे सब पूरे करे। बाकी 55-60 साल में कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कितनी चीजें थी, इन्होंने पूरी क्यों नहीं करी, ये जवाब दें। जनता का पूरा ना हो, लेकिन इन दल बदलुओं का जरूर दलदल में फंस के पूरा हो रहा है, क्योंकि आप भी देख रहे हैं कि किस तरीके से कभी इधर कभी उधर पलटी मार रहे हैं। आप तो दल नहीं बदल पा रहे हैं क्योंकि आपको कोई लेने को तैयार नहीं। भाई साहब हमें बहुत गर्व है जब वहाँ पे है। सुनिए, चाहे बात हो राम मंदिर की, और देखिए एक युवा ने पूछा था, एक युवा ने पूछा था एक युवा का सवाल, घर में अन्न देने की, या फिर 14 करोड़ शौचालय की, या फिर 11 करोड़ पानी के कनेक्शंस की, या फिर 25 करोड़ डबल इंजन की सरकार गरीबी से बाहर निकाली। क्या है बिहार का हाल, जवाब दीजिए। बिहार अभी भी सर्वाधिक विकास दर पे खड़ा है। मत छेड़िए सर, नहीं सच में ये देश में सर्वाधिक दो बार याद दिलाया आज ही कि मैं बिहार की हूं। उन्होंने कहा ट्रेन में लोग बैठ जाते हैं, आबादी है, संसाधन की कमी है, ये मान सकता हूँ। मैं कहना क्या चाहता था कि उन्होंने एक सवाल उठाया कि नेता की गर्दन कैसे पकड़े। समाजवादी आंदोलन में जयप्रकाश नारायण ने कहा था राइट टू रिकॉल। अब सवाल है, सत्य है लेकिन काम पूरी भाषा सत्य है, थोड़ा सभ्यता दिखाइए, आप इस बात को समझिए। आपके साथ नहीं दिखा सकते ना। जिस देश में शौचालय तक का इंतजाम नहीं था, जिस देश के गरीबों का बैंक में खाता नहीं खुलता था, 55 करोड़ खाता खुला, जनधन खाते में कितना पैसा है उसमें, जिस देश में कतार में महिलाएं जाती थी और सिलेंडर का कनेक्शन नहीं मिलता था, उस देश में महिलाओं को फ्री में गैस का कनेक्शन मिला, ये है सरकार। इस पर आप वोट करेंगे, अगर उस सरकार की साख होगी तो वो 370 भी पार करेगा और 400 भी पार करेगा। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।